ठीक है जी, मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों सर। तो हम लोग तो मैं लास्ट क्लास में ये किया था, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। तो इसी को अभी कंटिन्यू करते हैं। तो आज हम भी ये डिस्कस करते हैं, फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज डिस्कस करेंगे कोलमोग्रोव स्मिरनॉफ टेस्ट, फिर अगली क्लास में आकर डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है इसमें, अच्छा उससे पहले, हाँ ऐसे एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन पे एक और क्वेश्चन आया हुआ, अगर आप एग्जाम में पेपर देखते हैं ना गेट में, है ना, 22 तक का ही है, 23 तक का कैसे मिलेगा। अच्छा इसमें तो 22 तक ही है, फोर्टी वन। देखिए कल हम थोड़ा सा ये डिस्कस कर रहे थे, एक तो क्वेश्चन वो आया था एम्पेरिकल वाला मिला था ना, मैं पहले इसका आंसर बताइए आप लोग। हमने लास्ट क्लास में ये टॉपिक डिस्कस किया है, ये गेट 2021 का है ना, 41 नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी भी ठीक होगा। आपसे नॉट ट्रू पूछा है। ओ अच्छा, ओके। सी एंड डी में थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब ये समझ नहीं आ रही। तो इसका फॉर्मूला जो होता है, जो लास्ट क्लास हम लिख रहे थे, मैं थोड़ा सा रिवाइज, क्योंकि जो आपका जो केस टेस्ट है, तो कोलमोग्रोव स्मिरनॉफ टेस्ट जो देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पे ही बेस्ड है, जो लास्ट क्लास हमने डिस्कस किया था। तो आपने ये देखा था कि जो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है, जिसका नोटेशन मैं ये लिया था, जीरो वेन लेस लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स आई अपॉन एन, अगर आपका एक्स फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा, और मतलब आई एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से ज़्यादा और आई प्लस वन एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स से कम है, और वन है अगर एक्स मोर देन इक्वल टू एन एथ ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ पे जो आई होगा
ये एन माइनस वन तक आई की वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, है ना। तो ये था, फिर हमने ये देखा था कि आगे एक टर्म डिफाइन किया था टी एन एक्स जो था एन टाइम एफ एन एक्स, है ना, तो जिसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने देखा था कि बाइनोमियल एन कॉमा एफ एक्स ऑफ एक्स, लास्ट क्लास में ये था। अब उसके बाद क्या है, जैसे आपने देखा कि अभी जैसे है ना, अब हमने पहले देखा है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ, लास्ट क्लास में डिराइव किया था कि आया था एफ एक्स ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ एफ एन एक्स, है ना, ये एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ई डी एफ लिख सकते हैं इसको आप, तो आपका एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है ये। तो इसका क्या होता है वैल्यू, ये जो था एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स वन माइनस एफ एक्स, हाँ बाई एन, बाई एन था जैसे। अब तीसरा ये कोवेरियंस बिटवीन, तो इसमें प्रॉब्लम, हाँ इसका जो फॉर्मूला आता है वो ये है एफ एन वाई, इसका होता है वन बाई एन। अब इसका है एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एफ वाई ऑफ वाई, ये तब होगा मतलब एफ एक्स ऑफ वाई वेन एक्स इज लेस देन वाई, या इसी को मैं जनरलाइज फॉर्म में लिखूँ तो वो ऐसा होता है। जनरलाइज फॉर्म क्या है इसका, दैट इज, या इसी को दूसरे फॉर्म में लिखूँ, इसका दो पार्ट ये है कि कोवेरियंस बिटवीन एफ एन एक्स इंटू एफ एन वाई, तो ये जो होगा वन बाई एन, और आपका आएगा एफ एक्स ऑफ वाई इंटू वन माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स, कब वेन फॉर एक्स मोर देन वाई, या जनरलाइज फॉर्म जो मैं लिखना चाह रहा था वो ये है कि जनरलाइज फॉर्म जो लिखते हैं हम लोग उसका फॉर्मूला है कोवेरियंस एफ एन एक्स इंटू एफ एन वाई इज इक्वल टू वन बाई एन, और रहता है एफ एक्स ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, ये जनरल फॉर्मूला है, माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू एफ एक्स ऑफ वाई, तो ये जनरलाइज फॉर्मूला होगा, इन्हीं दोनों से ऊपर दोनों जो लिखा है, तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, देर इज नो रेस्ट्रिक्शन हेयर, ठीक है। ये सब लास्ट क्लास में किया था, अभी देखिए आप अगर x लेस देन y लेंगे तो ये मिनिमम x y x हो जाएगी, तो ये फार्मूला बन जाएगा, जब आप x मोर देन y लेंगे तो ये y बन जाएगी, तो ये फार्मूला बन जाएगा, ठीक है। तो ये तो गया कोवेरियंस बिटवीन, ये कोवेरियंस है जी सर, मतलब ये जो मीन ऑफ x y, मतलब इसका प्रूफ सर कैसे आया था, मतलब आपने कैसे किया? हाँ ये तो मैं बुक में देखा, प्रूफ भी कर सकते हैं, प्रूफ लोगों ने किया है, i लेस देन इक्वल टू, कौन सी बुक में, तो बुक देखना पड़ेगा नाम क्या है, तो ऑनलाइन पीडीएफ कोई खोल के देख रहा था, बुक होगा कोई इसका प्रूफ, वो जो मतलब उस पार्ट का थोड़ा सा स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा बुक, हाँ मैं तुम्हें भेज दूंगा फोटो, इसका प्रूफ है ऑलरेडी बुक में ही है, मैं बुक बता दूंगा पूरा, बुक देख सकते हो तुम, इसका प्रूफ है वहाँ पे ना, तो प्रूफ है ठीक है, इसका प्रूफ मैं भेज दूंगा, बाकी इसका ये है। और हमने क्या देखा था कि कल ये देखा था कि जो एफ एन एक्स है दिस कन्वर्जेस इन प्रोबेबिलिटी टू एफ एक्स, मतलब ये कंसिस्टेंट एस्टिमेटर है, या कोई भी पॉइंट लिख लो। फिर हमने देखा था कि लाइक जो आपका एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स ये एंड अपॉन में ये एफ एन एक्स है ना, सो दिस इज एफ एन एक्स, एफ एन एक्स आपका वो है क्या बोलता हूँ एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, सो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स अपॉन
एफ एक्स इंटू दिस, ये था, दिस कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0,1। और बाद में ये भी देखा था कि एफ एक्स एक्स कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एफ एक्स एक्स एंड यूनिफॉर्मली ऑल्सो, मतलब ऑलमोस्ट श्योरली एंड यूनिफॉर्मली बोथ, तो इसी का नाम है ना वो लिखा था, ये ऐसे लिखने के बजाय यूनिफॉर्मली इन एक्स, या इसी थ्योरम का नाम, इसको ऐसे ना लिख के, ये थ्योरम का नाम है आपका ग्लिवेनको कैंटेली थ्योरम जो है। सो ये कहता है कि लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी सुप ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स, ठीक है, दिस एंड इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होने की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ये 0 होगी जहाँ एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर है। तो दिस होल्ड्स फॉर ऑल एक्स, ये कहना चाह रहे हैं। ये था, और एक और ये है थ्योरम है कि कि रूट एन टाइम सुप ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स दिस, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, व्हाट डू यू थिंक? नॉर्मल आएगा। लेकिन ये कहता है कि ये जो क्वांटिटी है इसका जो भी नाम दे दो, दिस इज, दिस हैज कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल, है ना, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी गेट का आया हुआ ही क्वेश्चन है जो मैं लिख रहा हूँ, फॉर एनी एफ एक्स एक्स, है ना, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन ही होगा, वो वहाँ से दिख जाएगा आपको, यहाँ से अगर ब्रेक करेंगे आप तो यहाँ से दिख जाएगा, ठीक है ना। तो ठीक है ना, यहाँ से अगर मैं लिखूँ इसी थ्योरम को, यहाँ से अब देखिए, अभी आपने लिखा है ना, सो जैसे हमने लिखा है कि एफ एक्स एफ एन ऑफ एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स अपॉन रूट अंडर, तो रूट एन इधर ले आओ, मैं इसी को रीराइट कर रहा हूँ, देखो यहाँ एक चीज़ मिस हो गया, आप लोगों ने बताया नहीं, ये रूट एन या तो यहाँ डालो एन या फिर यहाँ पे एन, है ना, ये आएगा, तो एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, ये कन्वर्ज कर रही है इन डिस्ट्रीब्यूशन टू नॉर्मल 0,1। हाँ, और अगर आपसे पूछा जाए कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ एक्स बाहर है रूट एन, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, नॉर्मल 0 एफ एक्स एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स एक्स। सो ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन है, और सी डी एफ का ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म 0,1 ही होता है। तो ओके, और आप अगर इसमें मैक्सिमम ले लेंगे एक्स ओवर एक्स, हालांकि सी डी एफ का मैक्सिमम तो है ना 1 होता है, सी डी एफ की मैक्सिमम वैल्यू, तो ये डिस्ट्रीब्यूशन तो कहीं ना कहीं इसका ये थ्योरम है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन रहता है। अब जैसे इस क्वेश्चन में है, अब आते हैं या एक साथ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम सारे, सर एक बार वो दिखाना, एक बार नोट करना है। ये सब कल वाला ही बता रहा हूँ, तो हमने कल डिस्कस किया, ये बस अभी नया लिखा है, बाकी तो कल वाला ही है। तो क्या ये कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर एनी एफ एक्स, मतलब नॉर्मल रहेगा, हाँ फॉर एनी एफ एक्स, मतलब नॉर्मल ही रहेगा, कहने का मतलब, हाँ फॉर एनी एफ एक्स, हाँ ये गेट में एक क्वेश्चन है एक्चुअली, ऑप्शन है एक क्वेश्चन में, थ्योरम भी है, और इसी पे अभी एक दो क्वेश्चन और देखेंगे कल। एक्चुअली क्या है ना, जो हम सर्च करते हैं तो सिर्फ 22-23 का आता है, 20 और 21 का नहीं आता है, क्योंकि 20 और 21 का जो पेपर है ना वो इमेज फॉर्म में, तो इमेज फॉर्म में वो ट्रेस नहीं कर पाता, सर्च जो हम करते हैं पीडीएफ में, तो वो सर्च ही नहीं कर पाएगा 20-21 के क्वेश्चन को, तो वहाँ भी आया हुआ क्वेश्चन है एम्पेरिकल, तो उधर भी
लेकिन हमें जो लास्ट क्लास में दिखा था 2023 वाला ही दिखा था एक। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, मैं पहले इसका थ्योरी बता देता हूँ केएस टेस्ट का, उसके बाद हम लोग आएंगे क्वेश्चन पे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं उससे ही रिलेटेड ही है, एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से। और इस पर भी गेट में क्वेश्चन आए, 2-3 क्वेश्चन, तो ऑलमोस्ट एक क्वेश्चन मिल जाएगा आपको 22 में, 1 23 में, इस तरह का। चलिए ठीक है, वहाँ से स्टार्ट करते हैं अभी, फिर इस पे वापस आता हूँ मैं। ओके, तो ये क्या होता है, ये जैसे इसको सॉरी ना केस टेस्ट बोलते हैं, क्या होता है कोई बताइए, इसमें पता तो होगा आप लोगों को, क्योंकि भी इजी काफ़ी है, काफ़ी यूज़फुल है, इसके बारे में जिन लोगों को आइडिया है बताओ ज़रा क्या है। क्या होता है ये, इसका क्या यूज़ है, क्योंकि इस पर क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं ना, 23 में भी आया, 22 में भी आया, 21 में भी आया है, गेट में। सर मतलब इतना याद नहीं है, वैसे कॉलेज के टाइम पे पढ़ते थे ना, तो वही ये सब टी टेस्ट वगैरह जो उनका ऑल्टरनेटिव है बस नॉन पैरामेट्रिक में, ऐसे याद है मतलब मुझे, जैसे वो क्रुशकल वोली वगैरह हो गए, तो ये सब ऑल्टरनेटिवली यूज करते हैं जब बस वो नॉर्मेलिटी के अजम्पशंस को फॉलो ना कर रहे हो, तो ये वाले टेस्ट इंट्रोड्यूस हुए थे। हाँ, ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है एक्चुअली, तो नॉन ये पैरामेट्रिक, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन से काम करता है सारा। हाँ, नॉन पैरामेट्रिक का मतलब ये हो गया कि यहाँ थीटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट नहीं रहता है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ले रहे हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि सी डी एफ है एफ एक्स, अब वो किसका सी डी एफ है उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर डिस्ट्रीब्यूशन फिक्स करेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन किसके थ्रू डिफाइन होता है, पैरामीटर के थ्रू, तो वो पैरामेट्रिक हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग जो भी अज्यूम करते हैं, ये जितने टेस्ट है डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फ्री का मतलब ये है कि कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नहीं कर रहे हैं, जैसे अभी मैं इसका बताता हूँ, नॉन पैरामेट्रिक का मतलब वो हो गया कि नॉन पैरामेट्रिक मतलब कि वो डिस्ट्रीब्यूशन फ्री है, तो मतलब यहाँ कोई पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन हम अज्यूम नहीं करते हैं, है ना, इन जनरल काम करते हैं सी डी एफ लेके, अब ये भी नहीं पता सी डी एफ किस डिस्ट्रीब्यूशन का है नॉन पैरामेट्रिक में, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं आप इसकी इंट्रोड्यूस करता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है। जैसे होता क्या है, मान लीजिए आपके पास कि लेट x1 x2 x, या कुछ डेटा पॉइंट दे रखा है आपको, मान लो है ना, जैसे होता क्या, स्मॉल x1 x2 xn दे रखा है आपको, अब आपको टेस्ट करना है कि ये, अब मुझे अगर टेस्ट करना है कि ये जो डेटा पॉइंट है क्या ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आया है या नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, किसी और डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, उसका मुझे टेस्ट करना है, तो होगा क्या, मैं मेरे को बैकग्राउंड बताता हूँ। तो जैसे मान लीजिए x1 x2 xn, ये एक रैंडम सैम्पल है सी डी एफ, ये मुझे पता नहीं अभी क्या है, है ना, ये अननोन है, ये क्या एक्चुअली अननोन है, सो दिस इज अननोन, और हमें कुछ ऑब्जर्व्ड वैल्यूज पता है इसके करस्पॉन्डिंग, ये ऑब्जर्व्ड वैल्यू है और मुझे इसका डिस्ट्रीब्यूशन पता लगाना है, लाइक हम टेस्ट करना चाह रहे हैं। तो जैसे क्या होता है कि लेट एफ नॉट एक्स बी नोन सी डी एफ, ये कोई नोन सी डी एफ गिवन है आपको, है ना, इसको क्या बोलते हैं गिवन, या है ना, ये समझो गिवन सी डी एफ है आपको। अब यहाँ पे क्या होता है, आपको टेस्ट, आपके पास कुछ डेटा पॉइंट है, अब टेस्ट करना है कि जो डेटा पॉइंट जिस डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, तो वो जो डेटा पॉइंट का जो सी डी एफ है क्या ये एफ नॉट एक्स के इक्वल है या उसका सी डी एफ इक्वल नहीं है, तो हमें ये टेस्ट करना होता है, मेनली हमारा टेस्ट ये है, तो इसी का नाम है कोलमोग्रोव स्नोर टेस्ट, कि आपके पास कुछ डेटा पॉइंट है, अब आपको टेस्ट करना है कि वो डेटा पॉइंट किसी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन का है कि नहीं, से बोल देगा क्या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन का है ये पॉइंट, तो आपको टेस्ट करना है, यहाँ एफ नॉट यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, अब आपको टेस्ट करना है कि वो जो पॉइंट्स हैं क्या वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से आए हैं, तो कैसे टेस्ट करेंगे, तो उसका एक तरीका है, तो उसके लिए क्या, ये तो आपका टेस्ट हो गया कि मतलब हाइपोथेसिस हो गई ना यहाँ पे कि क्या टेस्ट करना है। अब इसके लिए एक आता है क्रिटिकल रीज़न, तो पहले इसका आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स,
इसका आता है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। अब ये टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का प्री डिफाइंड है ना, ये कोलमोग्रोव स्वीनो दो मतलब मैथमेटिशियन है जिन्होंने ये दिया है, मतलब जो स्टैटिस्टिशियन है। तो इन्होंने क्या इंट्रोड्यूस किया कि आपका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है डीएन। और क्या होता है ये, किसी को याद है व्हाट इज डीएन? ये नोटेशन है इसका, व्हाट इज टेस्ट स्टैटिस्टिक्स करस्पॉन्डिंग टू दिस कोलमोग्रोव स्वीनो टेस्ट। पता तो होगा कुछ लोगों, जो लोग एमएससी कर रहे होंगे, एमएससी में तो आता है ना ये, क्या लेते हैं आप? कैपिटल एफ एक्स एक्स माइनस कैपिटल एफ नॉट एक्स हाँ सुप्रीमम ऑफ शायद हाँ मैक्सिमम मॉड्यूलस एफ एक्स ऑफ एक्स माइनस मॉड्यूलस। एफ नॉट एक्स इसका सुप्रीमम या मैक्सिमम, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो आप इसकी मैक्सिमम वैल्यू को डी एन कंसिडर करते हो। और जैसे आपको याद है नोटेशन जेड अल्फा याद होगा, काई स्क्वायर एन अल्फा, तो वैसे यहाँ भी एक नोटेशन आएगा। तो आप आपको डेटा गिवन है ना, मान लो आपको चेक करना है कि लेट वी हैव टू टेस्ट, मान लो बोलेगा टेस्ट करो इसको एट, मान लो अभी ऐसे लिखता हूँ अल्फा परसेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फा, एट सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा, मान लीजिए अल्फा आपको दिया होगा, तो उसके लिए आपको ढूंढना होगा डी एन अल्फा। ये बिल्कुल बिल्कुल डी एन अल्फा वैसे ही है जैसे आपके पास जेड अल्फा था, काई स्क्वायर एन अल्फा था, टी एन माइनस वन अल्फा था, जो हम लोग हाइपोथेसिस टेस्टिंग या फिर हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल के दौरान देखे थे, है ना? सो ठीक है ना, जेड अल्फा, काई स्क्वायर एन अल्फा, टी एन एन माइनस वन अल्फा, ये सब वैसे नोटेशन। डी एन अल्फा क्या होगा? सो इसको बोलेंगे हम क्रिटिकल पॉइंट, दिस इज अ क्रिटिकल पॉइंट एट अल्फा लेवल सिग्निफिकेंस, या अल्फा एट सिग्निफिकेंस लेवल अल्फा। तो मतलब क्या, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अभी मैं ड्रॉ करूँ जस्ट ऐसा है कोई, तो जैसे ये नंबर है आपका डी एन कॉमा अल्फा, तो आप जानते हैं बताइए इसके आगे ये प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी जो नोटेशन हम लोग फॉलो कर रहे हैं उसके हिसाब से। अल्फा तो ये हमारी अल्फा है और इधर वन माइनस अल्फा है, तो ये हमारा रिजेक्शन रीजन होगा और इधर एक्सेप्टेंस रीजन, वन साइडेड ले रहे हैं हम लोग, तो ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन होगा। तो अब देख के समझ ही आ रहा होगा आपको कि अगर ऐसा हुआ, ये जो डी एन है, डी एन टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो इसकी वैल्यू अगर ज़्यादा आ गई डी एन अल्फा से, तो हम क्या करेंगे, एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे? नॉर्मल लॉजिक है जो, अच्छा हाँ जो टेस्टिंग में यूज़ कर रहे हैं, इस साइड डी एन अगर आ गई, तो डी एन अगर इस साइड आ गई तो क्या मतलब है? रिजेक्शन रीजन, हाँ रिजेक्टेशन ऑफ, रिजेक्ट ही करेंगे ना क्योंकि रिजेक्शन रीजन है ये। तो अगर डी एन की वैल्यू इस पॉइंट, ये क्रिटिकल पॉइंट बोलते हैं इसको ना, ये क्रिटिकल पॉइंट है, डी एन अल्फा इज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो इसके आगे अगर आपका टेस्ट स्टेटस की वैल्यू आती है तो रिजेक्शन रीजन में चली गई, रिजेक्शन रीजन में चली गई तो रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट। सो होगा रिजेक्ट एच नॉट एट अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, एंड ऐसे ही फिर से उल्टा इसका आप जानते हैं डी एन अल्फा, और यहां से आ जाएगा फेल टू रिजेक्ट, है ना? हाँ एक्सेप्ट, वही ठीक है, हाँ वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, तो मतलब दैट इज एक्सेप्ट एच नॉट, क्योंकि डी एन की वैल्यू इस साइड आ जाएगी, इस साइड आ जाएगी तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गई, सो एक्सेप्ट एच नॉट। ये है, तो ये सिंपल एक एल्गोरिथम हो गया, मतलब समझिए क्या करना है आपको, कि आपको कुछ डेटा पॉइंट दिया होगा, आपको टेस्ट करना है कि वो किसी गिवन डिस्ट्रीब्यूशन भी गिवन होगा आपको दूसरा वाला, तो पूछेगा कि बताइए क्या वो जो है ना एक्सपेक्टेड बोलते हैं इसको, एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं ना, तो वो है उससे आया है कि नहीं, क्या उसका जो डेटा पॉइंट का एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन ये है, ये हमें टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमारा एच नॉट है, एच वन है। अब टेस्ट के लिए जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स यूज़ होगा ये डी एन यूज़ होगा, जिसका मीनिंग ये है, और क्रिटिकल पॉइंट आपके पास, ये क्रिटिकल पॉइंट है, तो ये भी क्वेश्चन में गिवन होगा आपको,
टेबल से देख के बता सकते हैं, लेकिन आपको जैम गेट का ये फ़ायदा है कि वहाँ पर टेबल नहीं देखना पड़ता, जिसकी ज़रूरत है वो गिवन होगी आपको। आइए इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं, जो गेट में ही 2023 में ही आया है शायद, हाँ 23 में ही आया है। इसमें किसी को डाउट बताइए, सिंपल क्या है, सिंपल है, बहुत ईजी है। सर बस एक बार नोट कर ले। हाँ समझता हूँ। सर हो गया। हो गया ना। चलिए इस पर एक क्वेश्चन देखिए, जैसे गेट 2023 में आया है, 2023 का पेपर वेबसाइट से ही खोल लेते हैं। तो आई थिंक ये कौन सा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये शायद, देखता हूँ। देखिए 65 नंबर क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, क्या बोल रहा है कि 0.13, 0.12, 0.78 और 0.51, ठीक है ना। तो ये अच्छा यहाँ पे क्या लिखा आपने, ये FNX यहाँ पे आता है, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन किसका, ये FNX किसका यूज़ होगा, गिवन डेटा पॉइंट का। तो यहाँ से आपको FX नोन नहीं है एक्चुअली, तो FX नोन नहीं है तो क्या निकालेंगे आप, FNX, ये जो गिवन डेटा पॉइंट है इसके करस्पॉन्डिंग आप एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड कर सकते हैं ना। FX तो नोन है ही नहीं, FX ही तो डिसाइड करना है कि क्या वो जो डेटा पॉइंट है ये इस डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, वो टेस्ट करना है एक्चुअली। तो हमें FX तो पता ही नहीं ना, तो हम क्या यूज़ करेंगे, FNX। FNX क्या है, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द गिवन डेटा पॉइंट्स, उसका एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ये यूज़ करेंगे। यहाँ पे FNX है, ठीक है ना। तो देखिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपके पास, नहीं ये नहीं कहा गया, हाँ ये देखिए, तो बी द रियलाइजेशन मतलब ऑब्जर्व वैल्यू दे रखी है आपको कि स्मॉल X1, स्मॉल X2, स्मॉल X3, स्मॉल X4 दे रखा है आपको। रैंडम सैंपल ऑफ साइज 4 फ्रॉम द पॉपुलेशन विथ CDF एफ़ है, वो एफ़ अननोन है एक्चुअली, जो एफ़ आपको दिख रहा है वही अननोन है। तो कंसीडर टेस्टिंग, अब मुझे टेस्ट करना है कि जो एफ़ है जिससे डेटा पॉइंट निकल के आया है, जिस डिस्ट्रीब्यूशन से आया है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या एफ़ नॉट के इक्वल है या एफ़ नॉट के इक्वल नहीं है। एफ़ नॉट क्या है, देखिए आपको एक CDF दी, बताइए अब डिस्ट्रीब्यूशन CDF देख के किसका डिस्ट्रीब्यूशन आई है, एफ़ नॉट एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, यूनिफॉर्म 01। हाँ तो एफ़ नॉट यूनिफॉर्म 01 है। अब आपको टेस्ट करना है कि जो हमारे पास चार पॉइंट दे रखा है वो क्या यूनिफॉर्म 01 से आया है, ये मुझे टेस्ट करना है। तब इन्होंने कहा डी विद द कोलमोग्रोव स्पिनो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, तो ये हमें खुद याद रखना पड़ेगा डी का मीनिंग क्या है। मैं DN लिखा ना, वही डी है यहाँ पे, तो हमें खुद पता होना चाहिए डी है क्या, क्योंकि याद करना पड़ेगा क्योंकि फिक्स है ना, इसलिए याद करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे डी फिर कह रहा है अगर डी आपका इस पॉइंट से ज़्यादा, यही यही क्रिटिकल पॉइंट है आपका। ये देखिए ये क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए आप, ये बोल रहा है कि अगर डी की वैल्यू, DN की वैल्यू 0.669 से ज़्यादा हुई तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1% है, मतलब रिजेक्शन रीजन की प्रोबेबिलिटी 1% है, तो एक्सेप्टेंस रीजन की प्रोबेबिलिटी 99%, मतलब यहाँ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपका 1% है, अल्फा की वैल्यू 1 है। तो ये जो 0.669669 है ये आपका है DN कॉमा अल्फा, अल्फा है यहाँ 1%। फिर कह रहा है कि आपका
फाइव वन होगा या जीरो होगा। वन होगा अगर आप एच नॉट को एक्सेप्ट करते हो 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, या जो साई है ना, ये साई की वैल्यू जीरो होगी। अदरवाइज अगर एच नॉट को आप रिजेक्ट कर देते हो तो बेस्ड ऑन द गिवन डेटा बताइए मुझे डी प्लस साई की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, चलिए इसको जरा नोट करते हैं। तो यहाँ पे मुझे क्या क्या गिवन है पहले नोट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 65 है गेट एसटी 2023 का। हमारे पास एक रैंडम सैंपल दिया इन्होंने कि स्मॉल एक्स वन की वैल्यू है 0.13, स्मॉल एक्स टू ऑब्जर्व वैल्यू है, सो ये आपका 0.12 है, स्मॉल एक्स थ्री 0.78 है, स्मॉल एक्स फोर 0.51 है। ये चार पॉइंट दे दिया। अब एफ नॉट मुझे बता रखा है यूनिफॉर्म 0.1 है ना, उन्होंने सी डी एफ लिख भी रखा है कि एफ नॉट एक्स जो है वो जीरो होगा अगर आपका एक्स कम है जीरो से, ऐसा एक्स होगा एक्स आपका जीरो से वन में है, वन होगा अगर एक्स वन से ज़्यादा है, ये तो एफ नॉट दे रखा है। तो हमें अब क्या करना है, हमें डी कैलकुलेट करना है। तो डी जो होता है एक्चुअली दिट इज़ द सुप्रीमम ऑफ एफ एन एक्स माइनस एफ नॉट एक्स। एन हमारा सैम्पल पॉइंट, एन यहाँ फोर है एक्चुअली हमारा, ठीक है ना, तो ये चाहिए मुझे। आइए तो कैलकुलेट करते हैं। तो पहले तो मुझे इसका वो करना पड़ेगा, ये चार डेटा पॉइंट है तो यहाँ से मुझे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स बनाना पता है। ये फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या होगी, सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, थर्ड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स क्या है, ताकि इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख सके, है ना। बताइए फर्स्ट, इनमें से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू किसके इक्वल आएगी, 0.12, 0.13, 0.51, 0.78। तो इसको यूज करके अब हम इंपेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिखेंगे इसका, क्योंकि इसका सीडीएफ तो अननोन है, वही मुझे टेस्ट करना है। तो इसके हेल्प से लिखेंगे इसका हम एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, तो इसका काम आएगा बाद में। तो हमें पहले लिखना है एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ एन एक्स। तो आपने देखा था जीरो अगर एक्स की वैल्यू फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक से कम है, तो यही फर्स्ट ऑर्डर से 0.12 है। फिर लिखेंगे हम लोग 1/4, 1/n जब एक्स की वैल्यू 0.12 से 0.13 में है। ये क्या है, 0.12 फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है, 0.13 सेकेंड ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स है। ये 2/4 होगा अगर एक्स की वैल्यू 0.13 से 0.51 में है, है ना, थर्ड ऑर्डर स्टैट्स। फिर 3/4 हो जाएगा अगर एक्स की वैल्यू 0.51 से 0.78 में है, एंड 1 हो जाएगी अगर एक्स की वैल्यू 0.78 से ज़्यादा है। ठीक है, तो ये हमने क्या लिख दिया, एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गिवन डेटा पॉइंट्स। तो ये मुझे गिवन है, ये हमने अभी लिखा है। ओके, अब हमें क्या करना होता है, इसका लेना होता है डिफरेंस। ठीक है, तो ऐसे करने के बजाय आप एक काम करो, ऐसा लिख लो एक्स, फिर यहाँ लिख लो आप एफ एन एक्स माइनस एफ नॉट एक्स, फिर यहाँ डी पे आ जाओ। डी क्या है, इसकी मैक्सिमम, डी तो चलो बाद में आ जाएगा, पहले तो निकाल दो चुके हैं, डिफरेंस ले लेते हैं। तो क्या होगा देखिए, तो मॉड यहाँ लिख देते हैं एफ एन एक्स माइनस एफ नॉट एक्स, टेबल से कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू क्या क्या थी, 0.12, 0.13, 0.51, 0.78, मैंने ऑर्डर स्टैटिस्टिक से फॉर्म लिखा है। अब देखिए 0.12 पे एफ एन एक्स की वैल्यू कितनी है, अब देख के बताइए, इसमें देख के बताइए 0.12 जब एक्स की वैल्यू है तो इसकी वैल्यू कितनी लिखेंगे, 1/4 माइनस, और एफ नॉट एक्स क्या है इसके करस्पॉन्डिंग, इसके बस जीरो, ध्यान से देख के बताओ, 1/4 एक्स होगा ना बेसिकली। हाँ ये देखो एफ नॉट, ध्यान देखना, तो वही वैल्यू बेसिकली 0.12 है ना, देखो ये है ना, ये तो है जब एक्स जीरो से वन में है तो एक्स है। ठीक है, तो ये लिखना है आपको, तो ये एफ नॉट एक्स क्वेश्चन में गिवन था, तो हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग आपको ये लिखना है। तो 0.12 पे इसकी वैल्यू 1/4 है और इसकी वैल्यू बतानी है आपको, तो ये तो इस इंटरवल में बिलोंग कर रहा है ना, तो
जो जीरो से वन में है उसके लिए एक्स ही होगा, 0.12 होगा जी, 0.12 होगा। चलो पर लिख लेते हैं सारी, फिर ऐसे ही 0.13 के करिस्पॉन्डिंग बताइए एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ईडीएफ क्या है, 0.13 है करिस्पॉन्डिंग, 2/4 हाँ मतलब 1/2, 2/4 और फिर 0.13 पे एफ नॉट होगा 0.13 रहेगा, एक्स ही है ना ये। 0.51 पे क्या है एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, 3/4 माइनस -0.51 फिर 0.71 है करिस्पॉन्डिंग 1-0.78 ये आपने, ये x की वैल्यू है, इस x के लिए आपने ये लिख लिया fn और ये लिख लिया f नॉट। अब इसका डिफरेंस का लेके मॉड ले लो आप, 0.25 माइनस 0.12 22, देख लीजिए। अब आपको इसकी मैक्सिमम वैल्यू चूज करनी है, ये कह रहा था डी क्या था आपका, सो योर डी वॉज या डी एन जो बोलूँ मैं, हम लोग डी एन लिख के चल रहे हैं, तो किन वैल्यू है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एन एक्स या सुप्रीम वैल्यू, वही बात है एफ नॉट एक्स, तो इनमें से कौन सी मैक्सिमम है, 0.37 तो ये आपको मिल गया टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू। तो मुझे पहले था डेटा पॉइंट, उससे ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स निकाला, उसके करस्पॉन्डिंग एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन लिख लिए ऑर्डर करके, एंड एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के बेस पर ही लिखे जाते हैं, डेफिनेशन ही है इसका, और उसके बाद ये तो दिया ही था क्वेश्चन में। अब मुझे टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू चाहिए था, तो उसके लिए एफ एन और एफ नॉट चाहिए था, दोनों दे रखा है। अब ये लिख लिया हमने, अब इसको मैक्सिमाइज करना है, मतलब सुप्रीम मैक्सिमम वैल्यू लेनी है इसकी, तो हमें यहाँ से डी मिल गया जो क्वेश्चन में कह रहा है 0.37। और ध्यान से देखिए क्वेश्चन में हमने कहा था एक नंबर था 0.669 आई थिंक है ना, 669 हाँ, तो ये कह रहा था कि ये है 0.669 जिसका नोटेशन मैं बोल रहा हूँ डी एन अल्फा, तो इसके आगे की प्रोबेबिलिटी 1% है और इसके पीछे 99% क्वेश्चन के हिसाब से, यही अल्फा है, ये आपका 1-अल्फा है, तो ये है रिजेक्शन रीजन है ना, ये है आपका रिजेक्शन रीजन क्वेश्चन के हिसाब से, ये है एक्सेप्टेंस रीजन। अब समझिए अभी आपका डी ये आ चुका है, अब क्वेश्चन ने कहा था कि अगर डी इससे ज़्यादा हुआ, इससे आगे हुआ एक्सेप्ट हो जाएगा है ना, तो आपको बोला है हाँ, तो आपको रिजेक्ट करना है, डी मोर देन ऐसा हो जाए 0.9 तो 1% प्रॉब्लम रिजेक्शन रीजन में चली जाएगी डी, तो डी मोर देन है ना, तो यहाँ से क्या हुआ आपका क्या है देखिए, अब तो डी एन, अभी डी एन ही लिखकर चलता हूँ, और डी एन अल्फा क्या रिलेशन है, ये डी एन अल्फा ये है और डी तो ये वाला लेस देन है, मतलब डी क्वेश्चन के हिसाब से डी लेस देन डी अल्फा है, तो एक क्रिटिकल पॉइंट, डी अल्फा को बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, तो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो आपका उससे छोटी है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू, डी इज अ टेस्ट स्टैटिस्टिक्स डी एन या डी, और डी एन अल्फा क्रिटिकल पॉइंट है, तो इधर आ गया वैल्यू, मतलब हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को, तो ये कहना चाह रहा है मतलब फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, क्योंकि रिजेक्शन रीजन ये है तो इधर रिजेक्ट कर नहीं पा रहे हम लोग, तो फेल टू रिजेक्ट एच नॉट मतलब हो गया एक्सेप्ट एच नॉट, अगर इधर जाता तो हम रिजेक्ट कर देते एच नॉट को, उधर नहीं गया तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे इधर, तो एक्सेप्ट एच नॉट, और जब एच नॉट को आपने एक्सेप्ट कर लिया तो साई की वैल्यू क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा था, अरे देखिए हमने अभी डेटा पॉइंट यूज़ किया, डी निकाले, डी आया 0.37 हाँ, साई क्या है, 1.37 हाँ, इसने कहा साई या तो जीरो है या वन है, डिपेंड करता है आप रिजेक्ट कर रहे हैं कि एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो हमने तो एक्सेप्ट कर लिया क्योंकि हमारा डी वैसा आया तो एक्सेप्ट हो गया, तो वो एक्सेप्टेंस रीजन में चला गया डी, जो कि रिजेक्शन रीजन 0.69 के बाद था, तो पहले 0.37 आया है तो लेस देन है, तो हमारा 5-1 हो गया, पूछा डी प्लस 5 बताओ, डी प्लस साई बताओ, तो हो गया उसमें साई 1 हो गया क्योंकि एक्सेप्ट किया तो 1 हो गया, और डी पहले से 0.37 था, तो आप ऐड कर लेंगे तो इसका आंसर आ गया 1.37, ये तरीका है, देख लीजिए।
यही पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ऐसे ही सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी एक दो और क्वेश्चन लिखता हूँ, आप डिसाइड कर सकते हैं। तो ये तो एप्लीकेशन बेस्ड हो गया कि कैसे यूज़ करना है इसको। ठीक है जी, तो इसमें आंसर की आप चेक कर सकते हैं, इसमें आंसर की है नहीं, है ना, 1.37 देगा आपको गेट 2023 का क्वेश्चन नंबर 55। ठीक है, एक दो और क्वेश्चन, ये 2023 का था। 22 में अगर आएंगे तो इसमें सर्च करता हूँ। अच्छा, इसका आंसर रहेगा नहीं, तो देखिए इसमें क्या है, ये जो क्वेश्चन हम देख रहे थे अभी, ये जो ए ऑप्शन है, ये तो वही ग्लिवेनको कैंटेली थ्योरम है। हाँ, तो ये तो ट्रू स्टेटमेंट है। बी वाला वही सेंट्रल लिमिट थ्योरम है डायरेक्टली, एस एन जो है एफ एन की जगह एस एन लिख रहा है ये, तो वैसे ही ट्रू है, बी भी ट्रू है। सी वाला डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, लेकिन इसने गलत कर रखा है कि ये बोला है कि फॉर फिक्स्ड एक्स वाई, एक्स वाई को ऑर्डर नहीं किया, लेकिन ये फॉर्मूला तब वैलिड है, ये फॉर्मूला तब वैलिड होगा जब एक्स लेस देन वाई। हाँ, ये तब वैलिड होगा क्योंकि यहाँ मिनिमम आता है, तो ये गलत कर रखा है। मतलब ये फॉर्मूला तब है जब एक्स लेस देन वाई, तो यही ऑप्शन गलत है। इसने बोला कौन सा नॉट ट्रू है, तो यही नॉट ट्रू है। अब यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला हमें इसका याद है कि 1/n ये होगा एफ ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई, फिर 1 - fy, ऐसा होता है। एक मिनट, नहीं तो उसने डिड्यूस कर रखा है, सॉरी, तो वो था, मैं इसको ठीक से लिख देता हूँ फिर से, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, यहाँ पे जस्ट -fxfy है, मतलब लिखा था ना उधर में कि मिनिमम ऑफ दिस -fx और इनटू में fy, ये था। तो इसमें ये तब आएगा जब मिनिमम x है, तो कॉमन आ जाएगा x, तो ये बचेगा, तो ये गलत है ना। अब यहाँ इन्होंने एक नया चीज़ कहा है कि एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स होल स्क्वायर का सम, मतलब जो d हमारे पास अभी था, जो है ना, ये d जो अभी हमने केस टेस्ट स्टैटिस्टिक्स का जो क्रिटिकल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, तो ये कहीं ना कहीं dn का स्क्वायर है, ठीक है ना। yn जो है वो क्या है, dn स्क्वायर है। ये कह रहा है कि 4n टाइम yn, तो 4n टाइम dn स्क्वायर जो होगा कन्वर्ज करेगा इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, दिस इज रॉन्ग, सेंट्रल काई स्क्वायर विद 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। क्यों रॉन्ग? रॉन्ग तो एक ही ऑप्शन होगा, दो तो नहीं होगा। हाँ, तो क्योंकि इसका जो डिनोमिनेटर में कोई वेरिएंस तो नहीं है ना, वेरिएंस नहीं, इसको स्टैंडर्ड नॉर्मल करने से तो ये काई स्क्वायर होगा ना, उसको स्क्वायर करने से। तो ये तो सिर्फ एसएन माइनस एफएक्स है। तो मतलब ये तो वैल्यू इन माइनस मीन है, लेकिन उसका जो वेरिएंस है वो तो कहीं दिख नहीं रहा ना। यहाँ देखो क्या बोला इसके बारे में, f क्या है, a भी दो नंबर है, एफ एक्स जीरो है लेस देन जीरो में, एफ एक्स जीरो से वन में है, इसका सपोर्ट ए बी टाइप का है, सपोर्ट a से b है, और सी डी एफ वन है जब x मोर देन इक्वल टू b है। मतलब ये कुछ x का डिस्ट्रीब्यूशन जो सपोर्ट है इंटरवल ए बी है। तो इसका मतलब है, मान लो अगर मैं ऐसा भी अज्यूम कर लूँ पर्टिकुलर कि x अगर यूनिफॉर्म ए बी है मान लो, तो क्या होगा, माइनस टू ln x करना पड़ेगा इसको काई स्क्वायर करने से। नहीं नहीं, ये डायरेक्ट थ्योरम है एक्चुअली, तो देखना पड़ेगा, तो रिजल्ट में प्रूफ करना पड़ेगा इसका। आंसर देखो, आंसर कैसे लगा हुआ है इसमें ना, इसमें एक आंसर चेक करो क्या सी होगा, है ना। यहाँ सुप्रीमम वैल्यू लगा हुआ है ना, मैक्सिमाइज करना है तुम्हें, तो मैक्सिमाइज करो जो तुम कहना चाह रहे हो ना, कि वो एक्चुअली एन यहाँ दे तो दिया, तुम इसको ऐसा लिख सकते हो रूट एन, फिर आ जाएगा एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स इस पूरे का होल स्क्वायर, ये टू टाइम भी है एक्चुअली, टू रूट एन होल स्क्वायर ऐसा है, या इसको टू को यहाँ नहीं लिखना है तो आप टू को अपॉन 1/2 भी कर सकते हो, और इस पूरे का स्क्वायर है, तो ये कहाँ जाएगी, तो नॉर्मल पे कन्वर्ज करेगी ना ये वाली, और
करे कि नहीं? ये जो 1/2 का कुछ मतलब समझ नहीं आ रही मुझे। ये 2 टाइम है ना इसीलिए। नहीं मतलब 1/2 मतलब कैसे डिराइव हुआ है तो। ये तुम्हारे पास इसका स्क्वायर, ये किसको फॉलो कर रहा है? नॉर्मल 0, x1 - x, मतलब स्क्वायर है ना, कोई बात नहीं। और हाँ तो नॉर्मल 0 अरे इफेक्ट तो हुआ काई हमारे स्क्वायर पे, बन जाएगा ये, नहीं काई। तो काई स्क्वायर हो जाएगा ना हाँ काई स्क्वायर। स्क्वायर तो बन जाएगा। फिर सेंट्रल कैसे बनाएगा? इसका मीन एफ एक्स है ना, व्हाट इज द हाँ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स? वन वन। एंड व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स? 0, ये सर हाफ होता है। हाँ हाँ डिराइव करके देखो, हाँ क्रिटिकल पॉइंट हाफ आएगा, आई थिंक ये 1/4 आएगा, क्रिटिकल पॉइंट हाफ आएगी है ना। पी इंटू 1 - पी करोगे ना, ये हमारा मान लो है, और ये आपका जी पी है जैसे, तो इसको डिफ्रेंशिएट करो, तो जी डैश पी निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1 - 2 पी, तो पी बराबर 1/2, तो एफ एक्स बराबर हाफ पे ये मैक्सिमम देगा। मतलब जब एफ एक्स बराबर हाफ पे ये मैक्सिमम देगा आपको, तो ये हाफ इंटू हाफ ये 1/4 टाइप का आ जाएगा। चेक करो एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स, यस तो ये फंक्शन मैक्सिमम है जब आपका, एक बार चेक कर लो कैलकुलेशन, तो ये 1/4 टाइप की आएगी। तो इस तरह कुछ प्रॉब्लम यहाँ पे इसको हटाया क्योंकि सुप्रीम लगा रखा है ना, तो जो इसका वेरिएंस आएगा वो क्या आएगा, एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स, और जो रूट एन आपको चाहिए वो यहाँ पे है ऑलरेडी सेंटर में थ्योरम लगाने के लिए, यही देख लो ना आप। इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, अभी यहाँ सुप्रीम नहीं लिया है, तो ये एन टाइम दिस, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है जो ब्रैकेट के अंदर है, तो बाहर आएगी तो कितनी बनेगी, 1/2, रूट के बाहर आएगी, तो फिर स्क्वायर हो गया तो 1/4 हो गया, तो वापस 4 आ गया बाहर। तो इसी से कुछ इस तरह से इसका प्रूफ आ जाएगा, प्रूफ लिखेंगे तो ठीक है ना। तो यहाँ एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू 1/4 है, और यहाँ मैक्सिमाइज ही कर रहा है एक्चुअली एफ एक्स पे। हाँ सर ये सही है, सही बोल रहे हो, उसने तभी सुप्रीमम लिखा है। तो ये जो 1/4 आया, ये अगर एफ एक्स यूनिफॉर्म का है तब होगा या इन जनरल सबके नहीं, इन लिए? जनरल है किसी के लिए भी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये है एफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स हैज मैक्सिमम वैल्यू 1/4, चाहे एक्स कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, मतलब एक्स कोई भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल, एक्स कुछ भी कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल है या नहीं भी है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आपका 1 है, और एफ एक्स ऑफ एक्स इंटू 1 - एफ एक्स ऑफ एक्स, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1/4 आएगी, चाहे किसी भी रैंडम वेरिएबल के लिए। मतलब पी इंटू 1 - पी कर दिया, फिर इसको डिफरेंशिएट करके 0 कर दिया, तो आप देखो मैक्सिमम वैल्यू कब एग्जिस्ट करेगी, तो ये एफ एक्स हाफ रहेगा तभी मैक्सिमम आएगा, तो ये रहेगा, उससे कुछ प्रूफ आ जाएगा। एनीवे एक और क्वेश्चन देखते हैं, तो इसमें सर्च कर लेते हैं। ये देखिए ये 2022 का है, अभी एक 2023 का देखा था, ये 2020। बताइए इसका आंसर आपको क्या लग रहा है, देखो और सोचो।
डीएन वही है जो हमने पहले ऑप्शन लिखा था, ऑप्शन टू तो करेक्ट है एंड है ना। डीएन वही है जो हमने पहले वो किया था, यस सर। डीएन का मीनिंग वही है जो हमने डिफाइन किया है, और ये हमने कल ही देखा था है ना। हमने यस सही देखा था करेक्ट कि है। एफ एन कन्वर्जेज ऑलमोस्ट श्योरली टू एफ एक्स, तो इसका डिफरेंस विल कन्वर्ज ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो, ये ओके है। क्योंकि एफ एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एफ एक्स, ठीक वैसे दिस इज ट्रू। हाँ टू इज ट्रू सर। है ना। ये जो वन है ये तो कुछ लग ध्यान से देखो इसको अब, ये वही चीज़ कह रहा है जो हमने अभी किया है। तो एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स रूट एन को नीचे ले आओ, 1/√n, ये क्या कहाँ कन्वर्ज करेगी। नॉर्मल हाँ सर, नॉर्मल ये कह रहा है द है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एन इज सेम फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस ट्रू हो जाएगा लाइक, भी ये थ्योरम वही लिखा रहा था उस समय मैं। ये भी स्टेटमेंट ट्रू है कि ये जो आपका एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स है अपॉन 1/√n, इसका डिस्ट्रीब्यूशन है नॉर्मल 0, f(x)(1 − f(x). चेक कीजिए, क्योंकि इसका वेरिएंस आता है f(x)(1 − f(x) सर। अपॉन एन, तो वो एन इधर आ गया, ये एन इधर है। अब इस पे सुप्रीमम लगा दोगे तुम तो ये इसको मैक्सिमाइज कर, एनीवे कहने का मतलब ये हमेशा नॉर्मल आएगा। ये कह रहे थे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एन इज द सेम फॉर ऑल कॉन्टिन्यूस अंडरलाइंग डिस्ट्रीब्यूशन एफ एक्स, क्योंकि मैक्सिमाइज करेगा तो फिर से इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कर देगा वो 1/4 कर देगा, जब आप मैक्सिमाइज करोगे तो इससे ये समझ आया कि हाँ मतलब कोई भी सी डी एफ दे दे, चाहे कोई भी कॉन्टिन्यूस सी डी एफ दे दे, उससे डिस्ट्रीब्यूशन इसका नॉर्मल ही आएगा मैक्सिमाइज, तो ये कॉमन रहेगा, ये थ्योरम है एक्चुअली, वो इसमें लिखा रहा था मैं। सो दिस विल हैव अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन एज, यहाँ सुप्रीमम लगा रखा है इसीलिए। और आपने यही देखा था, इसी का स्क्वायर किया था, जो एक और क्वेश्चन जो हम देख रहे थे इसी का वो स्क्वायर करके 4 टाइम कर दिया था ना। स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, एन हो जाएगा, और यहाँ जो मॉड है वो स्क्वायर बन गया। वहाँ पे वही क्वेश्चन था कि 4n और इसका स्क्वायर डी एन स्क्वायर, अगर मैं टी एन का स्क्वायर कर दूँ तो 4tn स्क्वायर का डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2 है, ये भी एक रिजल्ट हो गया। जो उसमें था ये कुछ रिजल्ट है जो आप नोट कर सकते हो, ये बोलना चाह रहा हूँ कि अभी हमने देखा कि जो डी एन है हमारा वो सुप है एफ एन एक्स माइनस एफ एक्स ऑफ एफ नॉट एक्स, ये था। सो इसमें यह है रूट एन टाइम डी एन जो है, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कहीं ना कहीं नॉर्मल होगा, है ना। तो दिस हैज़ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन या सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस, दिस हैज़ सेम डिस्ट्रीब्यूशन फॉर ऑल कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एक्स, पहला। दूसरा पॉइंट था कि 4n dn² दिस विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2। तो मतलब इसी का स्क्वायर किया फिर 4 टाइम किया, वो ट्रांसफॉर्मेशन से आएगा। सो दिस हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन काई स्क्वायर 2, और अभी ये नॉर्मल में जनरेट होगा, रूट एन डी एन कहीं ना कहीं नॉर्मल बनेगा, ठीक है। दिस हैज़ अ कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ये भी लिख रखा था, नल डिस्ट्रीब्यूशन डी एन डज नॉट डिपेंड ऑन एफ नॉट, जो डी एन का डिस्ट्रीब्यूशन एफ नॉट पर डिपेंड नहीं करता है, डिपेंड ओनली ऑन एन। अच्छा, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रूट एन डी एन इज एसिम्प्टोटिकली कोलमोग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, इसका करेंगे कोलमोग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, नॉर्मल तो है लेकिन और रिड्यूस करके आप देखना पड़ेगा कोलमोग्रोव डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। ये काई स्क्वायर 1 होगा ना, काई स्क्वायर 1 होगा ना, क्यों, क्योंकि ये तो नॉर्मल 0 1 है तो उसको स्क्वायर करने से तो काई स्क्वायर 1 ही होगा ना, लेकिन वहाँ काई स्क्वायर 2 बन रहा है, थोड़ा सा तुम्हें ये नंबर सा कुछ इफेक्ट पड़ेगा, मतलब कुछ मतलब ट्रांसफॉर्मेशन में कुछ हो रहा है। अच्छा, ब्राउनियन ब्रीज एंड ये सब कुछ आएगा डिस्ट्रीब्यूशन में,
पर वो उसका क्या प्रूफ है, मतलब वो दिया हुआ है क्या बुक में? प्रूफ तुम देख सकते हो, प्रूफ मिल जाएगा बुक में। वो वाला बुक मैं देख तो कौन सा? पर आप उसे पीडीएफ ग्रुप में भेज देंगे तो देख लेना। हाँ तुम उसमें देखो, इस गिबन्सन चक्रवर्ती वाले, वो आज देखा नहीं मैं वो बुक, मैं दूसरा देख रहा था, तो उसमें देखना पड़ेगा। एनीवे ये थ्योरम ओके है, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टी एन इज द सेम फॉर ऑल कॉन्टिन्यूस एंड राइजिंग इफेक्ट। ये टी एन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा। और एक दो और क्वेश्चन इस पे है, कहाँ मिलेगा तुम्हें, ढूंढने से तो नहीं मिलेगा तुम्हें। कोलमोग्राफ को यही दो क्वेश्चन ऐसे डायरेक्टली है, लेकिन यही दो क्वेश्चन, ये तो हमने कल ही किया था है ना, ये तो हमने किया ही थे कि एफ एड दे रखा। तो ये सिंपल है कि लाइक एफ एन एट द वेरियंस ऑफ एफ एन का हमने दिखाई था फॉर्मूला, एफ एक्स इंटू वन माइनस एफ एक्स बाई एन, फिर एन को एट रखना था, एक्स को टू रखना था, ये कल ही किया था, बाकी ये सर्च नहीं कर पाएगा आगे। अब 19-20 में देखना पड़ेगा, 19-20 के पेपर में कि है, क्योंकि ये 19-20 और 21 के पेपर में ये सर्च नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये इमेज है वो, तो इमेज में सर्च नहीं कर पाएगा ये 20 का पेपर है देखो, तो इसमें ढूंढना पड़ेगा तुम्हें, तो इमेज बना के इन लोगों ने अपलोड किया। तो ये जब पी वाई यू करेंगे ना लोग ईयर वाइज डिस्कशन, तो वहाँ कुछ छूट जाएगा तो वहाँ आ जाएगा दोबारा। अभी एक बार और डिस्कशन होगा पी वाई क्यू का, ईयर वाइज होगा। अभी जैसे हम जैसे जैम का ईयर वाइज कर रहे हैं ना हम लोग, अभी 20-21-22-23 ऐसे ही गेट का भी एक बार करेंगे, तो उसमें जो क्वेश्चन रह गए होंगे वो आ जाएगा दोबारा, सारा पर फिर से डिस्कशन हो जाएगा। देखो तब कब उस समय इन्होंने पता नहीं डिफरेंशियल क्वेश्चन पूछा था, किस ईयर का है ये देखना पड़ेगा, बोले ईयर किसका है, ये पुराना चल रहा है 20 का, एक है 20 का, ये है गेट। एक दो क्वेश्चन कर लो, मैं एक दो क्वेश्चन लिख देता हूँ वो ट्राई करो, बाकी जो क्वेश्चन रह जाएगा वो हम लोग पी वाई को डिस्कशन करेंगे ईयर वाइज, तो उसमें कवर हो जाएगा। ऐसा तो नहीं दिख रहा सर, ड्राइव में कुछ नहीं, उसमें कुछ नया क्वेश्चन होगा नहीं, ड्राइव में देखो सीएसआर में बहुत सारे क्वेश्चन है, ठीक है वो देखेंगे। ये नॉन पैरामेट्रिक है, इसने जिसने बनाए हैं उसका कोई बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं मिल रहा है, किसी भी क्वेश्चन का उठाती है। अभी बाकी टेस्ट करेंगे ये ना, ये सब तो ऐसे ही है। तो जिन लोगों ने जैम 2021 का पेपर किया, ये देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है गेट 2019 का, ये अभी जैम 2021 में यही क्वेश्चन आया है, आज हम इसका सोल्यूशन देख रहे थे, पहले भी किया है जिसको याद हो, काई स्क्वायर 6 और काई स्क्वायर 3 वाला याद है, देखो हाँ ये सर बेसिकली वो ग्राफ की प्रॉपर्टी लिखती है ना, हाँ कि डिग्री ऑफ फ्रीडम बड़ी होगी तो, लेकिन यहाँ पे इन्होंने पूछ लिया इन जनरल के लिए गेट 2019 में, और यही क्वेश्चन जैम 2021 में पर्टिकुलर एम को 6 कर दिया और एन को 3 कर दिया, और सेम क्वेश्चन पूछा है जैम 2021 में जो आज हम डिस्कस कर रहे थे पहले भी है ना, तो वहाँ पे ए की जगह 0.7 कर रखा है एक्चुअली, जैम 2021 में जो आया उसमें एम को 6 कर दिया, एन को 3 कर दिया और स्मॉल ए को 0.7 कर दिया, और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जैम में, हाँ तो यही इधर उधर करते हैं ये लोग, क्या ये है ना सेम ही है। बाकी यही अभी देख रहे थे हम है ना 7th क्वेश्चन, तो ये तो वही है बस, तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा ये।
बाकी ये 9 नंबर क्वेश्चन भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, थ्योरम ही है, तो ये दोनों थ्योरम ही है एक्चुअली कि डी एन कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑलमोस्ट श्योरली टू जीरो बिकॉज एफ एन कन्वर्जेस ऑलमोस्ट श्योरली टू एफ एक्स, और टी एन का डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहेगा चाहे एफ एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ भी हो ड्यू टू सुप्रीमम, तो मैक्सिमाइज कर देगा इस तरह से। बाकी अभी दूसरा टेस्ट भी बाकी आएगा, तो कोल्मोग्रोव वाला इजी है, लास्ट क्वेश्चन अभी किया ही हमने। तो कोल्मोग्रोव में क्या है, जस्ट आपको वही करना है कि डीएन निकालना है, उसके हिसाब से डिसाइड करना है। एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, करो फिर खत्म करेंगे क्लास। जैसे कुछ लोग डिस्क्रीट वाला केस भी दे देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आपको यूनिफॉर्म कर देना है उसको, एफ नॉट एक्स को यूनिफॉर्म लेना है और उसके हिसाब से हो जाएगा। जैसे अगर आपसे मैं पूछूं, एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा होगा, यहाँ मैं देख रहा था, इसमें निकालता हूँ नोट्स में। सो इसमें ये क्वेश्चन होगा, ये कुछ थ्योरम्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज सेम फॉर ऑल कंटिन्यूस एफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस इज सेम फॉर ऑल कंटिन्यूस एफ, हाँ ये क्वेश्चन करो। जैसे ये क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ कि आपको क्या करना है, ये एक डेटा पॉइंट दे रखा आपको, मतलब स्मॉल एक्स वन, स्मॉल एक्स टू, स्मॉल एक्स थ्री, स्मॉल एक्स फोर, स्मॉल एक्स फाइव, स्मॉल एक्स सिक्स, स्मॉल एक्स सेवन और स्मॉल एक्स एट दे रखा है, एट डेटा पॉइंट दे रखा है। ये एफ एक्स से आ रहे हैं, एफ एट एफ एक्स अननोन है। अब एफ नॉट आपको दे रखा है यूनिफॉर्म जीरो टू है और आपसे पूछ रहा है कि टेस्ट करो इसको, डी एन तो पता ही आप लोगों को, ये है मैक्सिमम ऑफ दिस, और डी एन अल्फा दे रखा है, एन तो एट है, अल्फा 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये दे रखा है। तो आपको पहले डी एट निकालना पड़ेगा, यहाँ से डी एन निकालना पड़ेगा, फिर आप टेस्ट करो कि ये रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। हालांकि आंसर ने निकाल रखा है, आप लोग करके देखो क्या होगा, इसको मैं तत्काल मिटा देता हूँ, आप लोग अपना आंसर फाइंड करो। यहाँ करना क्या होगा आपको, आपको डी एन निकालने हैं, डी एन के लिए आपको एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन चाहिए, तो इसके हेल्प से लिख लोगे आप, और एफ नॉट एक्स दे रखा है तो एफ नॉट एक्स का लिख लो। यूनिफॉर्म जीरो वन में क्या होता है, जीरो वेन एक्स लेस देन जीरो, एक्स बाई टू वेन एक्स बिटवीन जीरो एंड टू, और वन वेन एक्स मोर देन टू, ये हो जाएगा। अब उसके हिसाब से क्या टेबल बना लो फिर से, कि टेबल में क्या करोगे, एक एक्स फिर 0.55 जो डेटा पॉइंट है, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन 55, हाँ 55 है, अब चेक करो तो यहाँ एच नॉट रिजेक्ट होगा कि एक्सेप्ट होगा, ये आपको बताना है। ये चीज है सिंपली आप, है ना, तो एफ एन एक्स निकालो, फिर एफ नॉट एक्स निकालो, फिर डिफरेंस ले लो इसका अगर वन बाई वन करना हो तो, उसके बाद मॉड ले लो इसका, फिर उसके मैक्सिमम ले लो, ठीक है। एक्स की वैल्यू एफ एन एफ नॉट डिफरेंस मॉड, फिर इसका जो मैक्सिमम आएगा वो डी एन आएगा। यह है कोल्मोग्रोव स्मिर्नोव टेस्ट, केएस टेस्ट। तो आपका काम यहाँ से डी, है ना, एन अल्फा फाइंड करना, डी एन फाइंड करना, डी एन फाइंड करना, डी एन अल्फा यहाँ दे रखा है 0.46 है, क्रिटिकल पॉइंट 0.46 है वो बता रखा आपको। ट्राई करो बताओ, अभी के लिए लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे कुछ खास नहीं है इसमें। कहाँ पे, हाँ 1.41, 0.26, 1.97, 0.33, 0.55, 0.77, 1.46, 1.18, ये आपके 8 डेटा पॉइंट्स हो गए।
अब ये स्मॉल एफ से आया जो कि अननोन है, तो यही मुझे टेस्ट करना है इसका कि क्या जो एफ एक्स है ये यूनिफॉर्म 02 से आया है, ये यूनिफॉर्म 02 एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन इसका यूनिफॉर्म 02 है क्या, ये देख करना है हमें। तो उसके लिए डी एन बस आपको कैलकुलेट करना है, जब भी कोलमोगोरोव स्मिरनोव टेस्ट आएगा तो समहाउ यू हैव टू कैलकुलेट डी एन। फिर ये दे रखा होगा क्रिटिकल पॉइंट, ये इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और यह है टेस्ट स्टैटिस्टिक्स। फिर आपको डिसाइड करना है रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे, यही डिसाइड करना है इसमें। विल रिजेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एफ एक्स एट एफ नॉट और विल एक्सेप्ट। तो रिजेक्ट करेंगे। कितना आया आपका डी एन? 0.97। अच्छा हाँ तो भैया है तो जो पहले मैंने लिखा था कितना था? हाँ वो लास्ट वैल्यू ही एक्चुअली सबसे बड़ा डिफरेंस दे रही है ना। देखो हमारा तो ये आया हुआ है 0.145। अब हो सकता है पॉइंट अलग हो। अरे सर वो एफ एक्स गलत ले लिया, एक्स बाई टू था ना वहाँ पे। हाँ क्योंकि यहाँ पे यूनिफॉर्म 02 है सर। सेम सेम मैंने भी एक्स माइनस कर दिया। यहाँ क्या होगा 0 में लेस देन 0, एक्स बाई टू जब एक्स 0 से 2 में है और 1 जब एक्स मोर देन 2, ये लेना पड़ेगा आपको सीरियस। एफ नॉट है ये, एफ नॉट एक्स बोलेंगे इसको, कि जो गिवन डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इससे कंपेयर करना है गिवन डेटा को, है ना। तो ये सिंपल तरीका है क्योंकि 1 by 1 करो वन डायरेक्टली गलती हो जाएगी। सो ईच पॉइंट पे एफ एन एक्स, ईच पॉइंट पे एफ नॉट एक्स, ईच पॉइंट पर डिफरेंस, फिर इसका मॉड ले लो। सर काफी ऐसे मतलब 8 बार अलग अलग करना कैलकुलेटिव है ना। हाँ कैलकुलेटिव हो रहा है ना। इसलिए एग्जाम में 4 का आया, 2023 में जो है 4 के लिए आया ना, थोड़ा कम कैलकुलेशन करवाया। सर ये तो 7 मार्क्स का क्वेश्चन हो जाएगा फिर। हाँ मतलब एग्जाम में कम आएंगे, 3-4-5 पॉइंट होंगे बस। जैसे अभी हमने किया एक क्वेश्चन 2023 वाला, तो 4 पॉइंट था वहाँ पे किया, तो यही पे हमने डी भी निकाले हैं बस। फिर इसकी जो लार्जेस्ट वैल्यू वो डी एन आ गई, फिर बस ये देखना है कि वो जो क्रिटिकल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है क्रिटिकल पॉइंट से कम आ रही है कि ज़्यादा आ रही है। तो ज़्यादा आएगी तो हम रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि रिजेक्शन रीजन में चला गया, कम आएगी तो एक्सेप्ट कर लेंगे एच नॉट को। एच नॉट का ही मेन है एच नॉट का, तो रिजेक्ट करना है एक्सेप्ट करना है। तो अगर टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्रिटिकल पॉइंट से ज़्यादा है तो विल रिजेक्ट एच नॉट, टेस्ट स्टैटिस्टिक क्रिटिकल पॉइंट से कम है तो विल फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, तो एक्सेप्ट एच नॉट हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट कर लो, ये 0.145 आना चाहिए और ये 0.46 एग्जाम में दिया होगा, जैसे हमें दिया था अभी 0.669 2023 के पेपर में, तो ये दिया होगा। बस आपको कंपेयर करना है, तो ये लेस देन है, डी एट इज लेस देन दिस, तो इसका मतलब हम रिजेक्ट कर, एक मिनट रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारा तो कम आ रहा है ना, तो वी फेल टू रिजेक्ट, तो एक्सेप्ट हो जाएगा। हाँ ये तो गलत लिख रखा है मतलब, तो यहाँ पे गलत है ना, क्योंकि हम रिजेक्ट नहीं कर सकते हम, क्योंकि हमारा जो डी एन है वो तो एक्सेप्टेंस रीजन में आ गया, तो एक्सेप्टेंस रीजन है तो वी फेल टू रिजेक्ट एच नॉट, मतलब वी एक्सेप्ट एच नॉट। तो मतलब जो
डेटा पॉइंट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन हम ये कह रहे हैं कि एक्सपेक्टेड डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, मतलब वी एक्सेप्ट एच नॉट, ये हो जाएगा। बाकी बस कैलकुलेशन है, तरीका समझ आएगी आप लोगों को करना क्या है, ये है। तो ये कहीं ना कहीं एम्पिरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन उससे रिलेटेड है। ठीक है, तो आई थिंक अभी सिलेबस अगर देखें तो ऐसे एक एक क्लास दो तीन टेस्ट किए जा सकते हैं, हम तो मैं बस एक आज कराया। तो जैसे अभी तो हमने बस ये डिस्कस किया इसमें कि इसमें बस एक बीच में रह गया गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट क्या होता है, इसका मीनिंग बस ये है कि जैसे अभी हमने देखा कोई डेटा पॉइंट दे रखा है, अब आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन दूसरा दे रखा है, आपको वही टेस्ट करना है कि वो डेटा पॉइंट उस डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करेगा क्या। तो गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट वही है कि लाइक वी हैव टू टेस्ट दैट कि दैट डेटा पॉइंट फिट ऑन दैट डिस्ट्रीब्यूशन और नॉट। तो जैसे उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, काई स्क्वायर टेस्ट इज अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, कोलमोग्राफ स्नो टेस्ट इज अ गुडनेस ऑफ फिट टेस्ट, मतलब एक तरीका है जिससे हम किसी डेटा पॉइंट को टेस्ट करेंगे कि वो पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या उसमें बिलोंग करेगा कि नहीं करेगा। तो ये अलग अलग टाइप का एक टेस्ट है, जैसे काई स्क्वायर टेस्ट अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो अभी मैं देखा कोलमोग्राफ स्नो टेस्ट क्या है, जिसमें बस याद रखने की चीज़ बस इतना ही है कि इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या है। अब जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर लेंगे कि रिजेक्ट होगा कि नहीं होगा, है ना। फिर ऐसे डिफरेंट टेस्ट है, साइन टेस्ट है ना, विल्कोक्सन साइन रैंक टेस्ट, मान विटनी टेस्ट, यू टेस्ट, तो ये इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं। सब में आपको याद रखना पड़ेगा इसका टेस्ट स्टैटिस्टिक्स और उसके अकॉर्डिंग कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इसमें देखो ये हमने जो भी डिस्कस किया इसको वन सैम्पल टेस्ट भी बोलते हैं, जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था इसको बोलते हैं केस वन सैम्पल टेस्ट, जो मैंने अभी डिस्कस किया ना उसमें क्या है केस वन सैम्पल टेस्ट। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जस्ट एक ही सैम्पल मुझे दिया था ना एक्स वन एक्स टू एक्स एन कि वो एफ एक्स से आ रहा है और ये एफ एक्स अननोन है, तो इसी को हम टेस्ट कर रहे थे कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन एफ नॉट के इक्वल है या नहीं है, यही हम टेस्ट कर रहे थे कि एफ एक्स एक्स एफ नॉट एक्स है या नहीं है। तो ये हमारा सिंगल वो था। अब क्या होगा आगे टू भी होता है, टू सैम्पल केस, जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा बुक में डिस्कस भी नहीं करते हैं और एग्ज़ाम में भी नहीं आया है। सो टू सैम्पल केस टेस्ट, कोलमोग्राफ स्नो टेस्ट, उसमें क्या है कि आपके पास दो डेटा पॉइंट एक्स वन एक्स टू एक्स एम, एक से आया फिर वाई वन वाई टू वाई एन वाई से आया, इस तरह सब दो यहाँ पे जो बनता है, तो यहाँ पे डी एन बनता है सुप्रीमम ऑफ इन दोनों का डिफरेंस एफ एक्स एक्स माइनस एफ वाई एक्स, ऐसे लो कॉमन पॉइंट को ले लो उस पे, है ना। जैसे ये लोग लिखते हैं एक्स एम वाई एन, हाँ, तो इसका जो अब टेस्ट यहाँ क्या करना है, तो यहाँ आप टेस्ट कर रहे हैं कि ये दोनों सैम्पल जो है क्या डिस्ट्रीब्यूशन कॉमन है, तो यहाँ हम चेक कर रहे हैं यहाँ पे कि जो आपका एफ एक्स है क्या वो एफ वाई के इक्वल है, एक कॉमन पॉइंट ले लो एफ एक्स एफ वाई एट एक्स, इस तरह से एच वन यहाँ होता है कि एफ एक्स ऑफ एक्स इज़ नॉट इक्वल टू एफ वाई एट एक्स, और इसका जो क्रिटिकल रीज़न आता है वो यही है, इसका सुप्रीम एफ एक्स माइनस एफ वाई कॉमन पॉइंट सुप्रीम वर्ड, ये इसका क्रिटिकल पॉइंट है। अगर डेटा पॉइंट देगा तो करस्पॉन्डिंगली वैसे निकल जाएगा, तो यहाँ पे लेकिन डी एन नहीं लिखते हैं, डी एम एन लिखेंगे आप, क्योंकि दो सैंपल है ना, तो इसका नोटेशन हो जाता है डी एम एन। अब इसकी वैल्यू सेम करोगे आप, क्या करोगे, तो इसकी वैल्यू अब आप फाइंड करोगे, मतलब यहाँ ये करना पड़ेगा आपको दो अलग अलग तरीके से, क्या लिखूँ इसको मैं, क्योंकि हमें डिस्ट्रीब्यूशन तो पता ही नहीं ना, टेस्ट करना है, तो मुझे क्या करना होगा एफ एन एक्स और एफ, तो ऐसा अलग अलग नाम दे दो या कैप दे दो चाहो तो, एफ एम कर दो एफ एन, मतलब ये क्या ले रहे थे यहाँ पे हम, क्योंकि हमें एफ एक्स ये तो पता ही नहीं ना, यही तो टेस्ट करना है इसका, तो हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, हमें यहाँ क्या लेना पड़ेगा एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन ई डी एफ ऑफ एक्स और ई डी एफ ऑफ वाई। फिर क्या करोगे, अगर मान लो पॉइंट दे रखा है, मान लो चार पॉइंट इसके दे रखे हैं, पाँच इसके दे रखे हैं, तो क्या करोगे तुम, तो उसके हेल्प से डी फोर फाइव निकालोगे, कैसे निकालोगे, यही एफ एम है ना एक्स माइनस एफ एन एक्स, जैसे अभी कर रहे थे आप, क्या करोगे, सो यू विल टेक ईच पॉइंट पे एक्स लिख लिया, फिर इस पे एफ एन, फिर एफ एन दोनों उसका डिफरेंस लो एफ एन माइनस एफ एन,
और फिर इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी, ये जो एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक्स का होगा और एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन वाई का होगा, उसका जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपका डी एम एन होगा। फिर से आपको एक क्रिटिकल पॉइंट दे रखा होगा डी एम एन अल्फ़ा, मान लो यहीं पर फॉर एग्जांपल डी एम एन अल्फ़ा, तो वही चीज़ है कि अगर डी एम एन अल्फ़ा ही आपको गिवन होगा कि वट इज़ अ क्रिटिकल पॉइंट एट अल्फ़ा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, और अगर डी एन की वैल्यू लेस देन है डी एम एन जो कि टेस्ट स्टैटिस्टिक्स है, मोर देन क्रिटिकल पॉइंट, तो आप रिजेक्ट कर देंगे एच नॉट, ठीक है, रिजेक्ट एच नॉट। और अगर उल्टा है सो एक्सेप्ट एच नॉट, तो ये हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आए नहीं, बहुत ज़्यादा बुक में डिस्कस करता भी नहीं है इसको कि टू सैम्पल कोलमोगोरोव स्नो टेस्ट, हमने अभी देखा बस एक सैम्पल है, सिंगल सैम्पल दिया है, एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, फिर टेस्ट करना है कि वो सैम्पल उस डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये है टू सैम्पल में दो सैम्पल दे रखे होंगे, तो उन्हीं दोनों का एम्पेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिफरेंस लेके मैक्सिमम देखना है आपको, वैसे ही होगा, प्रोसेस वही है, ठीक है। सो ये केस था, बाकी हमने गेट के क्वेश्चन सारे कर ही लिए जो भी आए थे, अभी एक बार और ये सब क्वेश्चन दोबारा आएगा पीवाईक्यू ईयर वाइज डिस्कशन में, तो तब है ना जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे वो हो जाएगा। बाकी आप लोग अपना रिवाइज करते रहिए, है ना, अपने हिसाब से। ठीक है, आज यहीं स्टॉप करता हूँ, कल तो क्लास नहीं है, परसों अब मिलते हैं, तो ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट, हैप्पी दिवाली, थैंक यू सर, हैप्पी दिवाली सर, ओके बाय।